पागल नागिन, अंदर आकर अपने पति को बचाना चाहती हो ना? अगर तुमने इस रेखा के अंदर आने की कोशिश की तो तुम चलकर राख हो जाओगी, राख। आज तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। ऐसा मौका एक दिन मेरे हाथ आएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा पति जान को कुर्बान करके नाग जाति के महान नागों में शामिल हो गया, मगर अब तो तुम में खुद अपने भक्त को बचाने की भी ताकत नहीं रह गई है। एक बार वहां देखो। तुम्हारे देवता समान भक्त यानी तुम्हारे पति का क्या होगा? कुटी नागिन, अब तुम्हारे भक्त के शरीर से धीरे धीरे खून निकलता जाएगा और फिर वो मारा जाएगा और तेरा पति नाग देवता जीवित हो जाएगा। जय शंभवी। भैरव, तू अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसको दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल कर। भैरव, चाहे तो मुझे मार दे परंतु मेरे भक्त को छोड़ दे।
देव शक्ति तो सब देव रंगना करो, जल थल पवन देव अग्नि गगन देव सब मिलके रंगना करो। आश्चर्य मत करो, मेरी सारी ताकत फिर से लौट आई है और मैं फिर से नाग बन गया हूँ। राहुल को हमें हर हाल में बचाना होगा। यज्ञ समाप्त होने के बाद ये तांत्रिक शक्ति पाके सृष्टि का विनाश कर सकता है। वो जो कुछ भी चाहता है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। लक्ष्मी के साथ साथ हम दोनों भी मुक्त हो जाएंगे। देवता को मैंने कैसे कब्जे में किया यही सोच रहा है क्या? तंत्र मंत्र की शक्ति तुझ में ही नहीं मुझ में भी है। मेरी शक्ति से दोबारा जिंदा ना हुआ और मैं फिर से नागलोक ना जा सकी तो हम दोनों को ही नुकसान होगा। तेरे मन में बसी हुई ख्वाहिशों को मैं हमेशा के लिए मिटा रही हूँ। क्या कर लेगी तू? महाशक्तिशाली मणि तुझे मिल गई तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी, इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसको रोकने के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही हूं। रुक जाओ। Yeah!
खा ली। बात तो बिल्कुल सही था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई रे, मेरी दीदी और मेरे पति को लकवा मार गया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तू ही मेरा सहारा है, मुझे माफ। माफ कर दो, मेरी माँ और मामा को भी माफ कर दो। लक्ष्मी तुम डरो मत, मेरे पति राहुल तुम्हारे साथ ही इस दुनिया में बाकी की जिंदगी बिताएंगे। इस अग्नि कुंड को नाग शक्ति का पीठ बना दो, जिससे कि मुसीबत के समय इसकी पूजा करके सारा संसार सुख से जिए। सर्वे जना सुखिनो भवंतु।